हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत और आज हम याद करेंगे मेंसुरेशन के ये कुछ फॉर्मूले जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। और जैसा कि अब एसएससी जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, अगर आपने एनालिसिस देखा है तो एक या दो क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, इन फॉर्मूले से। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हमें फॉर्मूले याद हो। तो इस वीडियो में हम याद करेंगे सारे फॉर्मूले। मैंने ये टेबल के फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि आपको इमेज के थ्रू ये याद हो जाए, कि आंख बंद करते याद आ जाए कि हमने ये फॉर्मूला वहां देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं इसी के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो आकृति है हमारी, यहाँ हम इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ ये मैंने आकृति लिखी है कि क्या है, घन है, घनाभ है, क्या है, फिर आयतन, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठ है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है अगर किसी भी शेप के बारे में, तो वो मैंने लिखा है। 3D क्या होती है, पहले एक थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। देखिए, अगर 3D इमेज की बात करूं तो देखिए, कोई भी जो इमेज है अगर वो तीन एक्सिस में, उसके तीन एक्सिस हैं और हम उसे 3D फॉर्म में देख पा रहे हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जो पूरी आकृति होती है ये हमारी 3D होती है। आप देखते होंगे घन को भी हम तीन तरफ से देख पाते हैं, उसमें भी तीन होती चीज विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ऐसे ही वो, इसीलिए वो क्या कहलाता है, 3D शेप कहलाता है घराव। चलिए अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है हमारा घन लिया है हमने। घन क्या होता है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, a क्यूब होगा, भुजा का क्यूब होगा, और a क्या है, यहाँ भुजा है। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें या फिर चार दीवारी का क्षेत्रफल भी लिख कर आ सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो ये होता है हमारा 6a स्क्वायर। इसमें एक विकर्ण का भी फॉर्मूला पूछा जाता है कि अगर कोई भी घन है तो उसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो वो क्या होता है हमारा, विकर्ण होता है, और विकर्ण को हम लिखते हैं a√3। बस आपको भुजा में √3 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हो गया, पूरा घन के फॉर्मूले हमने देख लिए। एक बार देख लेते हैं, आयतन होगा a³, वक्र पृष्ठ होगा 4a² एंड संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, 6a² और विकर्ण होता है a√3 होता है। अब घनाभ देखते हैं। घनाभ आकृति ऐसी होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, वैसे तो घन की तरह होता है लेकिन इसमें भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखिए, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब भी आपको आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो भी हमारी इमेज है उसके आधार का क्षेत्रफल हो, ऊंचाई, तो उसमें गुणा कर देते हैं। तो आधार क्या किससे मिलकर बना होता है, लंबाई और चौड़ाई से, और हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा 2h × l + b होता है, यानी कि 2 गुना ये क्या है हमारी ऊंचाई, हाइट है, और लेंथ और ब्रेथ को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है हमारा, 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई और + ऊंचाई × लंबाई। अब इसका भी एक विकर्ण होता है, इसमें पूछा जाता है कि सबसे, इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताइए, तो ये क्या होता है, विकर्ण ही होता है। बेसिकली विकर्ण ना लिख के लैंग्वेज में लिख देता है, तो विकर्ण क्या होता है हमारा, रूट में होगा l² + b² + h² मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए ताकि आपको याद भी होता जाए। देखिए, नेक्स्ट शेप जो है हमारी बेलन है, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, और इसमें इसका जो आयतन होता है वो π r² h होता है। r क्या है, r इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, h क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है। पाई आप कहीं भी लेंगे तो उसे आप 22/7 लीजिए, वहां पे लिखा भी होता है कहीं किसी भी अलग, अगर 3.14 हमें लिखना है ना तो उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, वरना हम यही लिखते हैं 22/7 से इसको सॉल्व करते हैं। चले देखते हैं, इसका आयतन क्या है, π r² h, और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 2π r h होगा, और अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या होगा, 2π r × h + r। यहाँ देखिए, बस इसकी परिधि की गुणा कर दीजिएगा, ये 2π r आप अलग रखिए और h + r इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए, अब इसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, क्योंकि बेलन में हम ऐसे कोई लंबी छड़ नहीं रख सकते, ना ही विकर्ण बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं शंकु, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके कोई भी फॉर्मूला खुद से पूछ के देखिए, आपको याद हो गया होगा।
देखिए शंकु क्या है, शंकु में भी यही हमारी 3D शेप होती है। अब यहाँ देखिए आयतन, आयतन क्या होगा इसका 1/3 πr² h। बेलन और शंकु में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शंकु जो होता है ना वो इस तरीके का होता है, यहां से ऊपर जो है वो त्रिभुजाकार शेप है, तो आप उससे याद रखिए कि 1/3 इसके पास होता है और πr² h, जबकि बेलन में 1/3 नहीं होता है, तो ये शंकु में 1/3 πr² h इसका वॉल्यूम होगा। अब यहाँ देखिए ये जो मैंने बना के दिखा है, ये इसकी क्या होती है, त्रियक ऊंचाई होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, πr l होगा। यहाँ आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, l हमारी क्या है, त्रियक ऊंचाई। अब देखिए इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, πr l + r होगा। और त्रियक ऊंचाई को हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी होती है त्रिज्या और ये इस तरीके से जो होती है इसकी हाइट होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं इसको, l = √r² + h² या फिर आप l² = √r² + h² लिख सकते हैं। और अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो ये निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आगे है फिर हमारा गोला, जिसे हम स्फेयर कहते हैं, इसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। इसमें एक खास बात यह है कि हमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही सेम होते हैं, 4πr² इसका भी और संपूर्ण भी इसका क्या होगा, 4πr², अलग अलग याद नहीं रखना है। इसमें जैसे कि सेम है, ऐसे गोलार्ध में सेम नहीं होता है। ये हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा क्या है, स्फेयर है, तो इसमें हमने 4/3 लिखा है। अगर हम अर्ध गोला देखेंगे, यानी गोले का आधा पार्ट हमने कट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका जो आयतन है वो तो आधा हो जाएगा, 2/3 πr³ हो जाएगा, पर जो इसका वक्र पृष्ठ है वो 2πr² हो जाएगा, और जो संपूर्ण पृष्ठ है उसमें थोड़ा सा चेंज है, ये 3πr² है। कैसे है देखिए, यहाँ आप कोई बाउल बना के उसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा अर्धगोला, जैसे मैंने एक गोले में से कट कर लिया है, तो इसका ये जो सरफेस है ये तो किसी गोले का पार्ट है नीचे का, इसलिए ये तो हो गया 2πr², आधा हो गया। और ऊपर एक और सरफेस जो ये वाली है, इसका क्या होगा, πr², इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये 3πr² हो जाता है। देखिए अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है हमारा खोखला गोला, इसका क्या होगा, आयतन 4/3 πr³ - r³। अभी तक हम एक त्रिज्या देख रहे थे, खोखले गोले में दो होती हैं, एक बाह्य त्रिज्या और एक आंतरिक, तो बाह्य जो है बड़ी होती है r, तो हमें r बड़ी लेके r³ में से r³ माइनस करना होता है, ये हमारी छोटी त्रिज्या होती है। उसमें गिवन होगा आपको, इसमें वैसे ज्यादातर इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहीं तक ही पूछे जाते हैं, पर हम इसको भी याद कर लेंगे। देखिए 4/3 πr³ - r³ होगा। अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो खोखला गोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4πr² + r² होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही होता है, सेम होता है। आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, बस वक्र पृष्ठ और संपूर्ण दोनों एक ही होते हैं। बस गोलार्ध में आप याद रखेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं, इसका जो वक्र पृष्ठ है 2πr² है और संपूर्ण 3πr² है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इन फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं SSC GD की। अगर आप SSC GD एस्पिरेंट हैं या SSC एस्पिरेंट हैं, खास करके ये GD में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि इनको कैसे टैकल करना है, कहाँ किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है किस फॉर्मूले को, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, और मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन भी कर दूंगी, उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो एक काम करना, उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।